बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था, असिस्टेंट 16वां ग्रेड था, और यही टेस्ट एक लेबर ऑफिसर का टेस्ट हुआ था, वो भी 16वें ग्रेड का था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर 14वें ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में ये पेपर हुए हैं। हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। वो कहता है कि जी, इफ इन 2 आवर्स 3 लॉन्स आर बीइंग कंप्लीटेड, हाउ मेनी लॉन्स विल बी कंप्लीटेड इन 10 आवर्स। ए बी सी डी स्टेटमेंट को समझिए कि वो कहता है कि अगर 2 घंटों में 3 लॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप हमें बताइए कि कितने लॉन्स कंप्लीट होंगे 10 घंटों में। तो सादा सा तरीका, आम सा, इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, जवाब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे मैंने 2022 में होने वाले तमाम डिपार्टमेंट में जो भी पेपर हुए उन सब की मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके उनको वॉच करें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करें। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे जी आवर, ठीक है, और साथ लिखेंगे लॉन्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला तरीका, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे बता दूंगा जो आपको अच्छा लगे। अब देखें 2 घंटों में कितने लॉन्स हो रहे हैं कंप्लीट, 3। तो वो कह रहे हैं जी 10 घंटों में कितने लॉन्स होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब 2 घंटे हैं तो 3, जब टाइम बढ़ गया तो लॉन्स भी बढ़ जाएंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल। हम जो टेल वाली साइड है वो ऊपर रखेंगे, इधर भी टेल वाली साइड ऊपर, हेड वाली साइड नीचे, तो ये 2 5 हो जाएगा। तो ये जो एक्स है ये इधर ही रहेगा, और ये 3 उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3, ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। एक तो ये तरीका है और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लिखें इन 2 आवर्स लॉन्स कंप्लीटेड, कितने होंगे जी 2 आवर्स में लॉन कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 3, ठीक है। इसी तरह अगर हम इधर लिख देंगे जी इन 1 आवर्स, इन 1 आवर्स लॉन कंप्लीटेड कितने होंगे, 3 को हम 2 पे, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे कहें कि जी इन 10 आवर्स लॉन कंप्लीटेड कितने होंगे, तो 10 को 3/2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 × 10, तो ये 2 5 10 हो जाएगा, और ये 5 3 15, ये भी हमारा जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला मेथड, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप अपना लें। दोनों ठीक हैं, दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक आते हैं। जवाब कौन सा दुरुस्त है, ये सी वाला दुरुस्त है। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह आप लोगों की खिदमत करता रहूँ। बहुत सी मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।